अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू डैशबोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। जैसे ही किसी न्यू मेंबर का अकाउंट एक्टिव होता है तो उसने सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करना होता है और यहाँ पे लिखना होता है अल हयात ग्रुप। जैसे ही लिखेंगे तो ये आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने अल हयात ग्रुप पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन पर जाके क्लिक करना है। सबसे पहले लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे आपका ईमेल यूज़र नेम या आपका पासवर्ड मांग रहे हैं। तो आपने अपना यूज़र नेम या अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इस बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद जो आपने ज्वाइनिंग के वक्त पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब ये आपका जो है वो डैशबोर्ड का मेन पेज है। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको मोबाइल नंबर, आपका CNIC और कितने अमाउंट पर आपने पैकेज एक्टिव किया है, एक्टिवेशन फ़ी कितनी लगी है, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए आपको ये रेफरल लिंक मिल रहा होगा। जिसको भी आपने ज्वाइन करवाना है उसको आपने ये लिंक सेंड करना है। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसमें जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंट के हवाले से। अभी सर्टिफिकेट में क्या होता है, इस तरह का ये सर्टिफिकेट होगा और एक ये गारंटी होती है, एक प्रूफ होता है कि आप अल हयात में काम कर रहे हैं। इसमें आपका नेम, आपका आईडी कार्ड और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी है ना वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो इस तरह करके जो है आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद जो है अब नीचे है ROI इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका जो डेली का रेंट होता है ना वो इन्फॉर्मेशन सारी आपको जो है वो इस ग्राफ में शो हो रही होती है। अब यहाँ पे भी आपके पास तीन कैटेगरीज हैं। अगर आप इस आइकन पे जाके क्लिक करेंगे ना तो आपको तीन कैटेगरीज मिलेंगी, डेली, टीम और डायरेक्ट। अब जो डेली अर्निंग है ना, इसमें आपको वो वाली अर्निंग शो होती है जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस इन्वेस्टमेंट की बेस पे आपको डेली का रेंट आ रहा होता है। नंबर टू पे है टीम। अब टीम में कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जो कि आपकी टीम ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और टीम की इन्वेस्टमेंट की बेस पे जो हर महीने आपको प्रॉफिट शेयर आ रहा होता है। और उसके बाद जो थ्री ऑप्शन है वो है डायरेक्ट, कि किसी मेंबर को आपने ज्वाइन करवाया और डायरेक्ट जो है 7% कमीशन मिलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। और इसमें यहाँ पे देखें आपको डेली की इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, डेट वगैरह, किस डेट को कितना आपको प्रॉफिट हुआ, आपका जो ग्राफ है वो कितना हाई गया या कितना लो गया, और उसके अलावा यहाँ पर आपको परसेंटेज शो हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह करके यहाँ से आप अपने डेली की प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो सारा हो गया सामने स्क्रीन का इंटरफेस। उसके बाद आप मज़ीद जो ऑप्शंस है कि विड्रॉ कैसे लेना है या वेबसाइट का बाकी ओवरव्यू, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो थ्री लाइन लगी हुई हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास कितने ज़्यादा ऑप्शन आ गए। सबसे पहले डैशबोर्ड जो मेन पेज है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में जाके आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो या चेंज करना हो तो आप वो कर सकते हैं। रजिस्टर में जाके आप किसी मेंबर को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, मोबाइल नंबर, कितने पैसों से वो पैकेज एक्टिव कर रहा है, उसका यूज़र नेम, ईमेल, उसका स्टेट, कंट्री, सारा कुछ जो है आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट्स का ऑप्शन। अब अकाउंट्स में फ़ंड हिस्ट्री, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद है टॉपअप अकाउंट, ठीक है, कि आपने इसमें री इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको टॉपअप के ऑप्शन में जाना होगा। उसके अलावा रिवॉर्ड्स है, कि आपने कोई लेवल्स अचीव किए हैं तो उस पर आपको कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स के पॉइंट्स वगैरह शो होते हैं, आपका कौन सा करंट लेवल है, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है, जो भी। उसके अलावा अगर आपने विड्रॉ करना होता है तो उसके लिए आपको विड्रॉ के ऑप्शन में जाना होता है। और उसके अलावा जो आपके विड्रॉ की रिपोर्ट्स होती हैं, जो हिस्ट्री होती है, वो आपको यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद है नीचे जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी में आपकी जो टीम है उसका ग्राफ आपको शो हो रहा होता है। सबसे पहले तो आपका ट्री शो हो रहा होता है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो रही होती है। उसके बाद है डायरेक्ट टीम बिजनेस वॉल्यूम, के जो आपकी डायरेक्ट टीम है जिसको आपने डायरेक्ट रजिस्टर्ड किया हुआ है, उनसे आपको कितना बिजनेस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी टीम की रिपोर्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग मेंबर्स आते हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग तो की होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है, तो वो लिस्ट आपको पेंडिंग मेंबर में शो हो रही होती है।
उसके बाद नीचे सपोर्ट का सिस्टम है, कोई कंप्लेन है आपकी तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पर नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। KYC का मतलब होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करना, जैसे कि आपका ID कार्ड हो गया और जो भी आपकी लीगल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। आपने बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक के ऑप्शन में जाना होगा, और जैसे ही आप बैंक के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 से 3 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले तो आपने डिसेबल को अनेबल करना होता है, उसके बाद अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको इस IK बटन पर क्लिक करना होता है, लेकिन अगर आपको अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर मेरी सारी पेमेंट मेथड आ गया कि पेमेंट मैंने बैंक में लेनी है, स्टेटस को उसके बाद मैंने क्या कर देना है, अनेबल कर देना है। यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन भी होगा तो उसको आपने अनेबल कर देना है। यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट का नेम लिखना है, बैंक अकाउंट का टाइटल लिखना है, किस नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है, और उसके बाद एंड में क्या करना है कि आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन पुट की है उसको सिंपली आपने यहाँ पे सेव कर देना होगा। तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, फिर जब भी आपने विड्रॉ लेना होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आपको शो हो जाएगा। अगर KYC के ऑप्शन में जाया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना ID कार्ड पेस्ट करना होगा, उसके अलावा कोई भी यूटिलिटी बिल या क्रेडिट कार्ड की पिक्चर वगैरह ऐड करके सबमिट करना होगा अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाने के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो इसका इंटरफेस है, इसका मैंने आपको सारा तरीकाकार बता दिया है कि किस तरह से आपने इसमें क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, अपने मोबाइल में इसको आप सेव करके रखिएगा। बाकी विड्रॉ कैसे लेना है, टॉपअप करना है कैसे करना है, और उसके बाद जो है वो री इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट वीडियोज़ में ना बताते जाऊँगी।